नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में कोरोना के नए वेरिएंट की जांच रिपोर्ट में आई राहत भरी खबर। बिहार में डॉक्टर से लेकर मेडिकल स्टाफ की छुट्टी हुई रद्द। शराब मामले में थानेदार समेत 12 पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड। आज शाम होगी नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक। बिहार में 17 साल की लड़की को वैक्सीन लगाने की लापरवाही आई सामने। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में कोरोना के नए वेरिएंट की जांच रिपोर्ट में आई राहत भरी खबर। देश भर ने कोरोना के नए वेरिएंट से जुड़ी आशंकाओं के बीच अपने राज्य बिहार से थोड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। इंग्लैंड से बिहार आए कोरोना संक्रमित मरीज की जीनोम सिक्वेंसिंग की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि उक्त मरीज नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित नहीं है, बल्कि वह यूके वेरिएंट डेल्टा से संक्रमित पाया गया है। इस रिपोर्ट के आने के बाद बिहार में ओमिक्रॉन को लेकर थोड़ी राहत है। बताते चले कि उक्त यात्री करीब 20 दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद उसके जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए सैंपल को IGIMS अस्पताल में भेजा गया था। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि यह व्यक्ति ब्रिटेन के डेल्टा वेरिएंट से पॉजिटिव आया है, जिसका प्रभाव दूसरी लहर में देखा गया था। बताते चले कि यह व्यक्ति बिहार के पूर्वी चंपारण के हीरापुर गांव का निवासी बताया गया है। इसके संपर्क में आए 200 लोगों की जांच भी हो चुकी है, जो कि सब निगेटिव आई है। तो वहीं उक्त मरीज भी अब कोरोना से ठीक हो चुका है। बिहार में डॉक्टर से लेकर मेडिकल स्टाफ की छुट्टी हुई रद्द। नए वेरिएंट के खतरे को लेकर सूबे में स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों के साथ ही सभी मेडिकल स्टाफों की छुट्टी कैंसिल कर दी है। साथ ही ओमिक्रॉन को लेकर बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को किसी भी तरह के खतरे को लेकर पहले से ही तैयार रहने का अलर्ट किया गया है। तो वहीं नोटिस आने के बाद से ही हेल्थ वर्करों में आक्रोश बढ़ गया है और वे बवाल कर रहे हैं। हेल्थ वर्करों का कहना है कि अभी वैसी कोई स्थिति नहीं है कि छुट्टी कैंसिल कर दी जाए। मामले में PMCH के हेल्थ वर्करों ने इसे संस्थान के अधीक्षक की तानाशाही करार दी है। और बताते चले कि अधीक्षक कार्यालय से जो नोटिस जारी किया गया है, उसमें लिखा है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए PMCH के सभी डॉक्टरों, पैरामेडिकल कर्मियों, नर्सेस और अन्य कर्मियों के किसी भी तरह के अवकाश पर रोक लगा दी गई है। किसी भी कर्मी को विशेष परिस्थिति रहने पर ही आकलन करने के बाद छुट्टी दी जाएगी। बिहार में मिले 7 नए कोरोना संक्रमित मरीज। बिहार में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान कुल मिलाकर 1,12,818 सैंपलों की जांच की गई, जिसके आधार पर कोरोना के 7 मरीज मिले हैं। इसके तहत सबसे ज्यादा पटना से 6 और वैशाली जिले से 1 मरीज की पुष्टि हुई है। तो वहीं इस दौरान 5 मरीज ठीक होकर अपने घर को भी चले गए, जिसके बाद राज्य में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या घटकर 27 हो गई है। वहीं बात अगर हम रिकवरी दर की करें तो यह 98.33% हो गया है। शराब मामले में थानेदार समेत 12 पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड। बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसे लेकर पुलिस प्रशासन भी सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में भोजपुर जिले में बड़ी कार्रवाई की गई। यहां शराब बरामदगी और धंधेबाजों की गिरफ्तारी में शिथिलता बरतने के आरोप में आरा टाउन थाना इंचार्ज शंभू कुमार भगत समेत 12 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में भोजपुर SP ने बताया कि 3 दिन पहले इलाके में शराब का धंधा किए जाने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके आधार पर नगर थाना अध्यक्ष को छापेमारी कर धंधेबाजों को गिरफ्तार करने और शराब बरामद करने का आदेश दिया गया था। लेकिन थानाध्यक्ष की ओर से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, उल्टे गलत सूचना देकर सीनियर अफसरों को गुमराह करने का काम किया गया, जिसके बाद SP ने सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिया। आज शाम होगी नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक। आज शाम 6 बजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित होने वाली है। यह बैठक मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में होने वाली है। आपको बता दें कि काफी समय के बाद मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में CM की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। पिछले कई बार से कैबिनेट मीटिंग लगातार सचिवालय संवाद में ही आयोजित हो रही थी। आपको बताते चले कि आज के कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लग सकती है। इससे पहले कि कैबिनेट मीटिंग में भी कई तरह की चर्चाएं हो रही थी कि बैठक पटना के बाहर नेपाल की सीमा के पास होगी, लेकिन वो भी मीटिंग पटना में ही आयोजित हुई थी। और वहीं आज की बैठक भी पटना में ही होने वाली है। शराब पीकर बोतल फेंका तो तस्वीर हो जाएगी कैद। बिहार में शराबबंदी कानून को पहले से ज्यादा सख्त बनाने की कवायद नीतीश सरकार के द्वारा की जा रही है। और इस क्रम में कहा गया है कि अगर शराब पीने वाले शराब पीकर बोतल फेंकेंगे तो उनकी तस्वीर निकाली जाएगी। दरअसल ये बातें बीते दिन जनता दरबार खत्म होने के बाद मीडिया के सामने खुद CM नीतीश कुमार ने कही। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए CM ने कहा कि राजधानी पटना पर विशेष ध्यान देना है। राज्य में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए एक्शन काफी हो रही है, इसका असर भी देखने को मिल रहा है। ऐसी कोशिश की जा रही है कि शराब पीकर बोतल फेंकने वाले की तस्वीर सामने आ जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि शराब मामले से जुड़ी समस्याएं भी जनता दरबार में आई, इस पर तत्काल कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया।
बिहार में 17 साल की लड़की को वैक्सीन लगाने की लापरवाही आई सामने। देश भर में अभी तक 18 साल से ऊपर के लोगों को ही वैक्सीन लगाए जाने के निर्देश जारी है, मगर बिहार में इस निर्देश की धज्जियां उड़ने वाली खबर का खुलासा हुआ है। दरअसल सूबे के जमुई जिले में 17 साल की एक लड़की को कोरोना का टीका दे दिया गया, जिसके बाद लड़की की तबीयत बिगड़ने की खबर है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार लड़की को पीएचसी केंद्र में टीका दिया गया है। ऐसे में वहां के हेल्थ वर्करों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि वैक्सीन देने के लिए आधार कार्ड को प्रूफ के रूप में मांगा जाता है और लड़की की उम्र आधार कार्ड के मुताबिक 6 दिसंबर 2004 है, जिसके मुताबिक वो अभी 17 साल की ही है। हालांकि आपको बता दें कि सामान्यतः कई लोगों को वैक्सीन लेने के बाद बुखार या फिर तबीयत नासाज होने की खबर आती रहती है, लेकिन ये लापरवाही सरकारी निर्देश का साफ उल्लंघन है। पटना के गांधी मैदान में हुआ नेशनल हैंडलूम एक्सपो का उद्घाटन। सूबे की राजधानी पटना में स्थित गांधी मैदान में बीते दिन नेशनल हैंडलूम एक्सपो मेले का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने किया। इस दौरान दोनों उप मुख्यमंत्री उद्योग मंत्री भी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि इस हैंडलूम मेले में 200 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। यहां देश के अलग अलग राज्यों से व्यापारी अपने उत्पादों को बेचने के लिए आए हैं, जिनमें कश्मीर, राजस्थान और महाराष्ट्र के हैंडलूम सामान आपको देखने को मिलेंगे। यहां बिहार के भागलपुर से भी हैंडलूम के कई उत्पाद मिल रहे हैं। आपको बताते चले कि यह मेला 6 दिसंबर से शुरू है और 21 दिसंबर तक चलने वाला है। तो वहीं इस दौरान डिप्टी सीएम ने लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने की भी बात कही। डीईओ के 2 साल से नियोजन रोके जाने पर बेल्ट्रॉन का होगा घेराव। बिहार में अगर मंत्री जी की गाड़ी रोक दी जाए तो वे 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकते और हंगामा इतना बड़ा हो जाता है कि बात विधानसभा तक पहुंच जाती है, लेकिन अगर किसी बहाली को शुरू करने की बात आए तो अभ्यर्थियों को महीनों नहीं बल्कि सालों साल इंतजार करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसी स्थिति के शिकार कई नियोजन के लिए अभ्यर्थी कर रहे हैं, जिनमें से एक बेल्ट्रॉन के तहत डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी बहाली करीब 2 सालों से रुकी है, पर अब इसे लेकर टाइपिंग टेस्ट में पास हुए डीईओ अभ्यर्थी बेल्ट्रॉन का घेराव करने वाले हैं। इसके तहत कल सुबह 10 बजे पटना के चिड़ियाघर के गेट नंबर 1 पर अभ्यर्थियों का बड़ा जत्था जुटेगा और बेल्ट्रॉन का घेराव करेगा। आपको बताते चले कि डीईओ के 4411 पदों के लिए फरवरी 2020 में ही टाइपिंग टेस्ट की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई थी, पर अब करीब 2 साल होने के बावजूद भी इनकी बहाली नहीं हो सकी है। बिहार समेत 7 राज्यों में बच्चों के वैक्सीनेशन की हो रही है तैयारी। सूबे के अमूमन 18 प्लस लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और आगे भी लगने की प्रक्रिया जारी है। इस बीच तीसरी लहर जैसी संभावित आपदा के मद्देनजर बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा तेज है। इसे लेकर बिहार स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों से जानकारी मिली है कि जल्द ही देश भर में पहले फेज में 7 राज्यों में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया जाना है, जिसमें बिहार राज्य का भी नाम शामिल है। आपको बता दें कि बच्चों को वैक्सीन देने के लिए बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वैक्सीनेटरों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। हालांकि अभी वैक्सीन देने को लेकर कोई भी आधिकारिक पत्र स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं आया है और न ही केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से खास दिशा निर्देश आया है। हालांकि इसको लेकर विचार विमर्श जरूर चल रहा है। बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विनय कुमार को डीजी की मिली जिम्मेदारी। भारतीय पुलिस सेवा के साल 1991 बैच के अधिकारी विनय कुमार को बिहार का डीजी बनाया गया है। आपको बता दें कि गृह विभाग ने उनके डीजी रैंक में प्रोन्नति के लिए जाने से संबंधित अधिसूचना सोमवार को ही जारी कर दी। आपको बता दें कि विनय कुमार IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग में स्नातक किए हुए हैं। वर्तमान में वे बिहार में एडीजी विधि व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके पहले उनका एक लंबा समय एडीजी सीईओ के पद पर पदस्थापित था। आपको बता दें कि विनय कुमार संयुक्त बिहार के चतरा, गोड्डा के अलावा गोपालगंज, कटिहार, मुंगेर, मोतिहारी, बेतिया और बेगूसराय के भी एसपी रह चुके हैं। साथ ही वे बतौर रेंज डीआईजी दरभंगा की कमान भी संभाल चुके हैं। इसके साथ ही वे जोन आईजी के पद पर दरभंगा और भागलपुर में रह चुके हैं। पंचायत चुनाव में हारे हुए उम्मीदवारों के लिए सरकार कर रही है यह काम। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 9 चरण संपन्न हो गए हैं। इनमें कई उम्मीदवारों को जीत मिली है तो वहीं कई प्रत्याशी हारे हैं, तो वहीं कई प्रत्याशी ऐसे भी हुए हैं जो पहले मुखिया थे लेकिन इस बार उन्हें हार मिली है। ऐसे में इन प्रत्याशियों के लिए एक अच्छी खबर है, सरकार ने उनके बकाए का हिसाब कर रही है। इसके तहत पंचायती राज विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को कहा है कि पहले वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियत भत्ते का भुगतान 15 दिसंबर तक जरूर कर दे। आपको बता दें कि 12 दिसंबर को पंचायत चुनाव समाप्त हो जाएगा। इसके बाद पंचायत में जीते हुए प्रतिनिधि पंचायत का काम करेंगे। मालूम हो कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वर्तमान प्रतिनिधियों को ही उनका पदनाम बदलकर कार्य विस्तार कर दिया गया था, लिहाजा उन्हें विस्तार वाली अवधि का भी भत्ता दिया जाएगा।
वैक्सीनेशन पर फर्जीवाड़े के मामले में तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला। राज्य में एक तरफ लक्ष्य से अधिक लोगों को वैक्सीन दिए जाने की बात सरकार कह रही है तो दूसरी तरफ हाल ही में कोरोना वैक्सीन देने के नाम पर हेराफेरी करने का मामला सामने आया है। इस पर सियासत भी अब तेज हो चुकी है। दरअसल अरवल जिले के करपी एपीएचसी में वैक्सीन लेने वालों की सूची में पीएम नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा आदि जैसी कई बड़े नाम बस लिस्ट भरने के लिए डाल दिए गए। इस फर्जीवाड़े को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए ट्वीट किया कि देश में सबसे फिसड्डी बिहार का स्वास्थ्य विभाग, भ्रष्टाचार, हेराफेरी, उपकरणों की चोरी, जांच में धांधली और आंकड़ों की जालसाजी के लिए कुख्यात है। अब नीतीश सरकार ने टीकाकरण के आंकड़े बढ़ाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी और प्रियंका चोपड़ा को भी ट्रिपल डोज वैक्सीन लगा दी है। विकी कौशल और कटरीना की शादी के खिलाफ केस दर्ज। विकी कौशल और कटरीना कैफ की राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित एक शाही होटल में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दोनों ही कलाकार अपने परिवार के साथ राजस्थान पहुंच चुके हैं तो वहीं शादी आज से 9 दिसंबर तक चलेगी, मगर इनकी शादी को लेकर एक स्थानीय वकील ने शिकायत दर्ज करवाई है। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक यह शिकायत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दर्ज कराई गई है। दरअसल मामला शादी की वजह से एक मंदिर का रास्ता रोके जाने के कारण दिया गया है। शिकायतकर्ता का है कि प्रशासन ने 6 से 12 दिसंबर तक चौथ माता मंदिर का रास्ता बंद कर दिया है जिसके कारण श्रद्धालुओं को दिक्कत होगी। यह शिकायत एडवोकेट नेत्रबिंद सिंह जदौन की ओर से सिक्स सेंसेस फोर्ट के प्रबंधक कटरीना कैफ, विकी कौशल और जिला कलेक्टर के खिलाफ दर्ज करवाई गई है। साउथ अफ्रीका दौरे के कार्यक्रम में हुआ बदलाव। न्यूजीलैंड सीरीज के बाद भारतीय टीम अब साउथ अफ्रीका दौरे पर जाएगी जो इसी महीने के अंत में होगी, लेकिन अब इसके कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव किया है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने अपडेटेड कार्यक्रम की पुष्टि की है जिसके मुताबिक पहले भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 4 T20 मैचों की सीरीज, 3 टेस्ट मैच और 3 वनडे मैच खेले जाने का कार्यक्रम था, लेकिन अब कार्यक्रम में जो बदलाव किया गया है इसके अनुसार अब दोनों देशों के बीच T20 सीरीज नहीं खेली जाएगी। नए कार्यक्रम के मुताबिक साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम इंडिया 3 टेस्ट मैच और 3 वनडे मैच खेलेगी। पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर को सेंचुरियन में खेला जाएगा, दूसरा टेस्ट मैच 3 जनवरी से जोहान्सबर्ग के वांडर्स मैदान में खेला जाएगा तो वहीं अंतिम टेस्ट मैच 11 जनवरी से केपटाउन में खेला जाएगा। इसके बाद वनडे सीरीज का शुरुआत होगा जिसका पहला मैच 19 जनवरी को पार्ल में खेला जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार शराबबंदी को लेकर आपके आसपास में पुलिस प्रशासन की सख्ती दिख रही है या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।